अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर सर उमैर। लेट्स स्टार्ट फॉर यूनिट वन। कल हमने पेज नंबर वन और टू किया, सॉरी टू और थ्री किया था यूनिट वन का। आज हम पेज फोर, फाइव, सिक्स और सेवन करेंगे। तो गाइस, कल मैंने आपको रोमन नंबर जो थे वो पढ़ाए थे, तो उसका मैंने साइड पे ये टेबल छोटा सा बनाया हुआ है, जहाँ पे वन को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, टू, थ्री, फोर, फाइव और ये टिल मैंने ट्वेल्व तक जो है रोमन नंबर जो हैं वो लिखे हैं। और आगे एक चैलेंज की फॉर्म में क्वेश्चन आपके पास मौजूद है, आपने इस फॉर्मेट को फॉलो कर दे, रोमन नंबर्स को फॉलो करते हुए आपने इसका जो है वो आंसर लिखना है, जैसे कि और वो भी रोमन नंबर्स में लिखना है। जैसे कि ये नाइन है हमारे पास, ठीक है, वन एक्स का मतलब नाइन, नाइन होता है, और माइनस वी, वी मतलब हमारे पास क्या है, फाइव है, तो इसको मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब नाइन में से माइनस फाइव करें तो हमारे पास क्या बचता है, फोर, और वो फोर इस फॉर्म में लिखते हैं। फिर आगे आता है हमारे पास फाइव, फाइव ये हमारे पास प्लस नाइन, और ये नाइन हमारे पास, तो हमारे पास क्या आता है, नाइन प्लस फाइव करें तो हमारे पास फोर्टीन आता है। तो फोर्टीन को हम ऐसे लिखेंगे, एक्स का मतलब क्या होगा, टेन, और आगे फोर मतलब वन, टेन के अंदर चार डाल, फोर ऐड करें तो वो फोर्टीन बनता है, तो टेन प्लस फोर, और हम उसको ऐसे लिखेंगे, मतलब टेन तो हमारे पास एक्स आ गया, और टेन के अंदर हम प्लस फोर करेंगे तो वो फोर ही है, तो ये क्या बन जाएगा, फोर्टीन। आगे एक्स, एक्स मतलब टेन, टेन के अंदर माइनस टू करना है, ये टू है, और वो हमारे माइनस टू करें तो हमारे पास जो आंसर आता है, एक्स माइनस टू करें तो हमारे पास एट आता है, उसको हम ऐसे लिखेंगे, वी मतलब फाइव प्लस वन वन वन, और ये हमारे पास एट बन गया। मतलब आपने इसके अंदर ये वाला जो वैल्यू वो पुट कर देनी है, एक्स माइनस टू, तो ये हमारे पास एट आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, आपका एक्टिविटी है पेज फाइव पे, व्हाट इन रोमन नंबर्स, आपने इनके रोमन नंबर्स में आंसर्स लिखने हैं। ये आपका, ये भी आपका होम टास्क है, ये भी आपने नोटबुक पे करना है। पहले आपने नोटबुक पे ये आपने बनाना है, ठीक है, और उसके बाद आपने ये वाली एक्टिविटी पेज फाइव पे जो है इसको भी आपने नोटबुक पे कॉपी करना है। तो मैं आपको फिल कर दूँ, ये वाला फिल मैं करूँगा और ये आपका होम टास्क है, ये आपने खुद फिल करना है। तो अलेवन हम कैसे लिखेंगे, ये टेबल आप यहाँ से देख भी सकते हो, इसी को मैं आगे कंटिन्यू करूँगा तो आप समझ जाओगे। अलेवन है एक्स, और एक उसके टेन को हम एक्स को हम कहते हैं टेन, और उसके अंदर एक ऐड करें तो क्या बन जाता है, अलेवन, इसने एक्स टू वन दो और ऐड करेंगे तो ये ट्वेल्व बन जाएगा, एक्स तीन ऐड करेंगे तो ये थर्टीन, इसने एक्स, और अब आ गया फोर, फोर के लिए हम ये यूज़ करेंगे वन, और ये वी, इसने फिफ्टीन है एक्स, और फिफ्टीन आगे वी आ जाएगा, तो ये आपका फिफ्टीन हो गया। तो इस तरीके से हम इसको जो है वो रोमन नंबर्स के अंदर राइट करेंगे, और ये आपका गाइस होम टास्क है, और ये मैं आपको इंशाल्लाह चेक भी करूँगा, आपने नोटबुक जो है वो स्कूल में लेके आनी है, तो ये मैं आपका चेक करूँगा कि आपने किया है कि नहीं किया, ये आपका होम टास्क है। फिर आगे क्वेश्चन नंबर टू इज़ योर होम टास्क, ये हो गया होम टास्क, राइट द लेटर बॉक्स इन क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर फाइव पे ये इस पोर्शन के नीचे एक और क्वेश्चन है, आपने रोमन नंबर्स जो लिखे हुए हैं ये तो नमेरिक नंबर्स है, इनको आपने रोमन नंबर्स में लिखा, बिल्कुल उसी के नीचे और भी नंबर्स हैं जो कि रोमन नंबर्स में लिखे हुए हैं, और उनके नीचे बॉक्स अगर आप पेज फाइव पे देखेंगे उनको आपने नंबर्स में लिखना है, जिसमें एक मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने लिख दिया, और ये आपने होम टास्क आपने खुद करना है। जैसे कि ये लिखा हुआ है, अगर आप क्वेश्चन नंबर टू का पहला पार्ट देखें तो एक्स ट्रिपल वन लिखा हुआ है, तो एक्स हमारे पास क्या होता है, टेन, उसके अंदर तीन ऐड करें तो वो थर्टीन बनता है। इस तरह मजीद और भी क्वेश्चन होंगे, तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल, इसलिए मैं ज़्यादा क्वेश्चन आपको खुद दे रहा हूँ, क्योंकि ये इजीली आप इसको कर सकते हैं। मैंने यहाँ से ये आपको चैलेंज समझा दिया और ये समझाया, अब आपने इनको देखते हुए बेसिकली आपको अगर ये याद होगा ये वाला पोर्शन, तो आप इजीली रोमन को अरेबिक में और अरेबिक को नॉर्मल रोमन में कन्वर्ट जो है इजीली कर सकते हैं। ये आपको मैंने कर दिया, ये आपने खुद करना है, और इस तरह इसका मैंने आपको पैटर्न बता दिया कि ये रोमन नंबर्स में लिखा हुआ है, आपने इसको नंबर्स में कन्वर्ट कर देना, और ये तभी हो सकता है जब आपको ये वाला पोर्शन जो है वो याद होगा। नेक्स्ट चलते हैं फोर डिजिट्स, आपका पेज सिक्स पे क्वेश्चन है, फोर डिजिट्स गाइस, इसके अंदर आपने देखना है कि यहाँ पे लिखा हुआ है जीरो टी एच टी एच, यहाँ पे जीरो से मुराद क्या है, वन, और सॉरी, ओ से मुराद वन है, टी से मुराद टेन, एच से मुराद हंड्रेड, और टी एस इमराद थाउजेंड है। इस शे इनको समझाने के लिए उन्होंने एक शेप से जाहिर किया हुआ है, ये बॉक्स बना, थ्री डायमेंशन बॉक्स बना हुआ है, और थ्री डायमेंशन बॉक्स को जो इस तरह बॉक्स थ्री डायमेंशन बॉक्स बना है इसको हम थाउजेंड बोलेंगे, और जो सिंपल बॉक्स बना है इसके अंदर ये बॉक्सेज हैं उसको हम हंड्रेड बोलेंगे, और ये सिंगल जो कॉलम होगा बॉक्सेज का उसको हम टेन बोलेंगे, और ये थ्री जो होंगे इसको हम क्या बोलेंगे, वन बोलेंगे। इसमें यहाँ पे वन टू थ्री इसको हम क्या बोलेंगे, वन बोलेंगे।
ठीक है, ये आपने बात समझनी है। इसमें एक एक्टिविटी आपको दी हुई है लेटर्स प्रैक्टिस पेज 7 पे, वहाँ पे आपने इनको फिलअप करना है। और मैंने यहाँ पे दो क्वेश्चन जो है वो फिल किए हुए, बाकी 3-4 जो हैं वो आपने खुद फिल करने हैं। तो बुक के ऊपर ही फिल कर लेने हैं, ये आपने नोटबुक के ऊपर नहीं करना, क्योंकि वो आपको बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे, और ये आपने बुक के ऊपर ही जो है ना वो फिल कर लेना है। जिनमें से दो क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ आपको, बाकी आपने खुद फिल कर लेने। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बोला जो 3-डायमेंशन बॉक्स होगा उसको हम 1000 बोलेंगे, और जो सिंपल बॉक्स होगा उसको हम 100 बोलेंगे। तो ये दो बॉक्स दिए हुए हैं, ठीक है, और इनको आपने प्लस करना है, इनको आपने क्या करना है, प्लस करना है। तो 1000 जी हो गया और 100 जी हो गया, तो 1000 और 100 क्या होता है, 1100, वो आपने यहाँ पे फिल कर देना आंसर। इसने बी पार्ट भी मैंने किया हुआ है, 1000 प्लस 1000 क्या हो गया, 200, तो 1000 हो गए, और फिर 100 ऐड करें तो कितना हो गया, 2100, ठीक है, ये 2100 आपका आंसर आ जाता है। और अगर इसके अंदर 2 और ऐड करें, ठीक है, 10 और 10 ये ऐड करें, तो ये क्या बन जाता है आंसर, 1000 और 1000 2000 हो गया, और 100 2100 2100 2100 और 10 कितना आंसर हो गया, 2100 और 10, गाइस 1000 और 1000 2000 और 100 2100 और 10 और 10, 2120 आपका जो है वो आंसर बनता ही। आपने इसको ऐसे फिलअप कर देना है, तो सिंपल था, आपने इनको बस याद रखना है। ये 3-डायमेंशनल उसको 1000 से डिवीजन करेंगे, ये बॉक्स उसको 100 से, इसको 10 से, और ये 1 है, ठीक। और ये सिंपल क्वेश्चन मैंने फिल कर दिया, और ये 1000 और ये 100, 1100 हो गया, ये 1000, ये 1000, 2000 हो गया, और ये 100, 2100, और ये फिर 10 और 10 कितने हो गए, 20, तो 2120 आपका जो है वो आंसर आपने इसको राइट कर देना है। उम्मीद है गाइज आपको ये चैप्टर आपको इजीली समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप फीडबैक में मुझसे पूछ सकते हैं।